संस्कृति मंदिर पठानकोट की ओर से लमीनी स्थित मल्टीपर्पज स्टेडियम में कोविड सेंटर को बनाया गया है, जिसके लिए विशेष रूप से कोविड रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है और जिसका उद्घाटन 24 मई को जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से किया गया और विधायक अमित विज ने भी यहां का दौरा किया है, जिसके तहत उन्होंने इस सेंटर को उचित बताया। लेकिन यहाँ पर एक भी मरीज नहीं है, जबकि यह सेंटर उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कोई रहने का प्रबंध नहीं, अकेले हैं और जरूरतमंद हैं। फास्ट वे टीम ने भी इस सेंटर का दौरा किया और किन किन विशेषताओं को हमने वहां पाया, आइए देखते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम लमीनी पठानकोट में। जी हाँ, यहाँ पर एक संस्था द्वारा एक बहुत ही सुंदर पहल की गई है। जी हाँ, संस्था जिसका नाम मैं आपको बता दूँ, संस्कृति मंदिर पठानकोट की तरफ से एक बहुत बढ़िया पहल की गई है। कोविड 19 के लेवल 1 के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक आइसोलेशन सेंटर का निर्माण जो है, बहुत बढ़िया निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है और उन्होंने अपनी टीम का एक बहुत ही सुंदर नाम भी रखा है, कोविड रिस्पांस टीम पठानकोट। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रबंध जो हैं वो संस्था की तरफ से इस आइसोलेशन सेंटर में किए गए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये वो रास्ता है, यहाँ से अगर कोई पेशेंट जो है लेवल 1 का आता है तो उसे इस रास्ते से, इस मार्ग से जो है वो अंदर लेकर के जाया जाता है। और अंदर जिस तरह का प्रबंध जो है संस्था की तरफ से किया गया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है और मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का प्रबंध जो है यहाँ पर किया गया है और किस तरह की सुख सुविधाएँ जो हैं वो पेशेंट को यहाँ पर दी जाती हैं, जिनके द्वारा पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है और ठीक होकर के घर वापस चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंट्री है, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर को जाते हैं, ये वो एरिया है। और आपको दिखा दूं कि ये तारे हैं जहाँ पर पेशेंट्स के कपड़े जो हैं वो सुखाए जाते हैं, पेशेंट्स जो अपने कपड़े सुखा सकते हैं, ये पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया है कि कोई भी अंदर आ जा ना सके। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो एरिया है, यहाँ पर पेशेंट्स की योगा क्लासेस लगती हैं। ये स्टेडियम का एरिया है, ये पूरा स्टेडियम आप देख सकते हैं, ये स्टेडियम के जो है वो जो सिटिंग एरिया है यहाँ पर इनकी योगा क्लासेस जो हैं वो लगाई जाएंगी और संस्था द्वारा यहाँ पर बेहतरीन योगा ट्रेनर जो हैं वो भी जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि योगा द्वारा भी जो इनका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिसेप्शन है, ये अंदर आते हैं जिस तरह से और सामने ही टेबल आता है रिसेप्शन। इस टेबल पर जो है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद उनका बीपी, उनकी पल्स चेक की जाएगी, उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है उसे एडमिट किया जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉशरूम है और सफाई जो है उसका बेहतरीन तरीके से जो है ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 4 से 5 जो है कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ सफाई के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये स्टाफ का जो है नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पर स्टाफ जो है वो 24 घंटे जो है वो अवेलेबल रहता है, जिनके पास इनकी पीपीई किट रहती है टेम्परेचर चेक करने के लिए और साथ ही साथ बीपी चेक करने के लिए, हर तरह की जो इनके पास डिवाइस हैं वो मौजूद रहते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है। अब आपको दिखाता हूँ जो इनके आइसोलेशन वार्ड हैं वो, अब मैं उनको दिखाऊंगा कि किस तरह का अरेंजमेंट्स जो है इन्होंने, संस्था ने जो लेवल 1 के मरीज हैं उनके लिए किया है। तो आप देखिए जी, तो ये है कोविड आइसोलेशन सेंटर। जी हाँ, कोविड रिस्पांस टीम पठानकोट की तरफ से, संस्कृति मंदिर पठानकोट संस्था की तरफ से एक बेहतरीन जो प्रयास है यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं ये बेड है और मैं बताना चाहूँगा कि 50 बेड जो हैं यहाँ पर आर्मी की सहायता से, जी हाँ आर्मी की सहायता से यहाँ पर जो हैं वो लगाए गए हैं। आप सफाई देख सकते हैं किस तरह से है। तो मैं आपको पहले कुछ विशेषताएँ यहाँ पर बता दूँ कि किस तरह की विशेषताएँ हैं इस आइसोलेशन सेंटर में। आप देख सकते हैं कि हर बेड के ऊपर धुली हुई चादर है, यहाँ पर तकिया है, एक साफ सुथरा तकिया है, उसके बाद हर बेड के पास एक पानी की बोतल है और इनके साथ ही कॉलगेट है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नहाने का साबुन है, शैम्पू है, कपड़े धोने के लिए ब्रश है, कपड़े धोने का साबुन है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री। इलाज जो है यहाँ पर मरीजों का किया जाएगा, यहाँ पर उनके रहने का फ्री जो है प्रबंध किया गया है संस्था की तरफ से। और जी हाँ, सबसे एक बेहतरीन बात जो है मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर जो मरीज हैं
उनके मनोरंजन के लिए वो जल्दी स्वस्थ हों, यहाँ पर इंडोर गेम्स का भी जो है प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं कैरम, जी हाँ आप देख सकते हैं कैरम, ये कैरम बोर्ड है और यहाँ पर ये लूडो गेम है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बरकरार रहे, शारीरिक विकास जो है वो भी बराबर होता रहे, मनोरंजन होता रहे। और अगर बात करें मरीजों के मनोरंजन की, तो मनोरंजन के लिए यहाँ पर एलईडी टीवी का भी जो है वो प्रबंध किया गया है कि मरीज जो है उन्हें अपने घर जैसा अनुभव हो, यहाँ पर वो यहाँ पर किसी बोरियत को महसूस ना करें, वो बोर ना हो, यहाँ पर उन्हें ये ना लगे कि उन्हें अकेलापन जो है वो महसूस जो है वो बिल्कुल ना करें। मैं चाहूँगा कि एक एक बेड की जो तस्वीर है वो एक बार ज़रूर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। और मैं बताना चाहूँगा कि आर्मी के सहयोग से ये जो बेड्स हैं ये लगाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संस्था से जुड़े जो अहम नाम हैं, जैसे नीरज महाजन, मिस्टर विवेक महाजन, मिस्टर विवेक मल्होत्रा, मिस्टर विशाल, मिस्टर अशोक, ये कुछ नाम हैं जिनके सौजन्य से बहुत बेहतरीन काम जो हैं किए जा रहे हैं। और शहर के और भी कई नाम हैं और इनके साथ कुछ प्राइवेट डॉक्टरों के नाम भी जुड़े हैं जो कि इस संस्था को सहयोग दे रहे हैं और उनकी देखरेख में मरीजों का इलाज चलेगा। डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर श्वेता महाजन, डॉक्टर सौरव, ये कुछ नाम हैं जिनके सौजन्य से जो है मरीजों का इलाज जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ चलेगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 24 तारीख को इस आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन जो है हमारे माननीय जिलाधीश संयम अग्रवाल जी ने किया था। उसके बाद आज हमारे माननीय विधायक श्री अमित विज जी भी यहाँ पर आए थे। पर एक बात जो है वो समझ से थोड़ी सी बाहर है कि इतनी सुविधाएँ जो हैं यहाँ पर संस्था द्वारा दी गई हैं। DC साहब ने भी आकर के अपील की है और हमारे माननीय विधायक भी अपील कर रहे हैं, पर फिर भी जो लोग हैं वो क्यों घर से नहीं निकल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जरा से भी सिम्टम्स होते हैं तो आप निकलिए, यहां पर आइसोलेट हो जाइए, यहां पर बेहतरीन प्रबंध जो है वो किए गए हैं। जी हां, आप देख सकते हैं हर तरह का प्रबंध जो है, हर जरूरत की चीज जो है, घर जैसा अनुभव जो है यहां पर मिलता है, हर जरूरत की चीज जो है यहां पर मौजूद है और ये बिल्कुल फ्री है, एक रुपया भी जो है वो यहां पर नहीं लिया जाता। बिल्कुल सेवार्थ भाव से जो है संस्कृति मंदिर पठानकोट जो है वो सेवा कर रही है। पर समझ से बाहर है कि 4 दिन होने को आ रहे हैं पर एक भी मरीज जो है वो अभी तक इस आइसोलेशन सेंटर में नहीं आया है, जबकि आंकड़ा जो है वो अभी भी पॉजिटिव मरीजों का है, वो रोज आ रहा है, रोज की अपडेट फास्टवे के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, पर मरीज जो है वो यहां पर आइसोलेट नहीं हो रहे हैं। तो आइए अब आपको यहां के इमरजेंसी वार्ड के बारे में भी बताते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में यहां पर किस तरह की सहूलतें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था भी जो है वो बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था जो है वो भी की गई है, RO लगाया गया है और यहाँ पर पेशेंट जो है, मरीज जो हैं वो ठंडा पानी ले सकते हैं। जी हाँ, आगे बताते हैं हम आपको। और एक सबसे दिलचस्प बात है यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की रखी गई है इस आइसोलेशन सेंटर में। अगर यहाँ पर मरीज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसी खिड़की के ज़रिए उसे वो चीज़ जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। मरीज को बाहर जाने की इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वायरस जो है वो कहीं इधर उधर ना फैले, तो इस बात का भी जो है पूरा ध्यान रखा गया है। इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो प्रबंध किए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं सफाई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर लगे रहते हैं और सफाई कर्मचारी जो हैं वो बिल्कुल जो हैं अपनी ड्यूटी को निभाते रहते हैं और सफाई का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो इस वक्त हम लोग हैं आइसोलेशन वार्ड नंबर 2 और आइसोलेशन वार्ड नंबर 2 इमरजेंसी वार्ड। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है बेड्स जो हैं वो बहुत ही सफाई के साथ और तरतीब वाइज जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आइसोलेशन सेंटर में 5 ऑक्सीजन डिवाइस जो हैं वो रखे गए हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी पड़ती है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पर बाखूबी है और बढ़िया तरीके के साथ जो है इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं।
और यहाँ पर भी जो है हर तरह के जो डिवाइस हैं, इंजेक्शन जो हैं, दवाइयाँ हैं, और उसके साथ जो है बीपी चेक करने वाला जो डिवाइस है वो भी मौजूद है, ताकि किसी तरह की कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर मरीज को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात जो है इस आइसोलेशन सेंटर की, आप देख सकते हैं कि आप ये सकते थे, ये भी एक वार्ड है। टोटल गिनती की अगर बात करें तो 50 बेड जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल साफ सुथरे चद्दर तकिया, और हर एक बेड के साथ एक चेयर है, और हर तरह का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। और वॉशरूम है, लेडीज़ वॉशरूम अलग बनाया गया है, जेंट्स वॉशरूम जो है वो अलग बनाया गया है, स्टोर रूम है, रसोई घर है, खाना जो है बढ़िया क्वालिटी का जो है वो चेक हो करके यहाँ पर मरीजों के लिए जो है वो आएगा। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कि सफाई का विशेष तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। सफाई कर्मचारी जो हैं वो बिल्कुल जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज़रा सी गंदगी भी जो है वो ना आए, जिससे कि मरीजों को जो है कोई नुकसान पहुँचे, या जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें कोई नुकसान पहुँचे। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ पर चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो संस्था की तरफ से लगाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक पहल है जो कि संस्कृति मंदिर पठानकोट की तरफ से की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जिलाधीश संयम अग्रवाल जी ने इनोग्रेशन की थी, उद्घाटन किया था, माननीय विधायक अमित विज जी वो भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आके दौरा किया, और उन्होंने भी बताया कि बहुत बढ़िया और पुख्ता जो प्रबंध है यहाँ पर लेवल 1 के मरीजों के लिए जो है COVID-19 के पेशेंट्स के लिए किया गया है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़रा सा अगर सिम्टम दिखता है अगर आपको, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर घर में रहने के लिए जगह नहीं है, अगर घर में देखभाल होने की अगर कोई गुंजाइश नहीं है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त जो है आपका इलाज किया जाएगा, हर सुख सुविधाएं जो हैं आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। जी हाँ, हम सभी से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई शंका जो है मन में ना रखें। और अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर की अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, 9877996039। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 9877996039। जी हाँ, इस नंबर पर कॉल कीजिए, किसी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं इस आइसोलेशन सेंटर के बारे में आप ले सकते हैं। तो जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये आप सभी जनता के लिए हैं, जनता के सुख के लिए हैं। बिल्कुल यहाँ पर भोजन से लेकर के दवाई, दवाई से लेकर के बेड, बेड से लेकर के इलाज तक सब कुछ फ्री है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पहल की ज़रूरत है। तो अगर कोई कोविड पेशेंट है जो घर में आइसोलेट नहीं होना चाहता, तो वो यहाँ पे आए, यहाँ पर आइसोलेट हो जाए, ज़रा से सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तब भी यहाँ पर आके अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्ट वे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।